नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरुजी एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं विशेष प्रोग्राम आपको बताने जा रहा हूँ वो है शत्रु का आप मारण किस प्रकार से कर सकते हैं, शत्रु का उच्चाटन कैसे कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर कोई शत्रु हैवी हो गया है और आपका जीवन जीने के लिए दुश्मन हो गया है तो आप उस दुश्मन से छुटकारा कैसे पा सकते हैं जीवन भर के लिए, उसके लिए आज हमारा विशेष प्रोग्राम है। यदि आपके पास में शेर के दो नाखून हैं ओरिजिनल, तो वो शेर के नाखून से आप ऐसा शक्तिशाली मारण क्रिया कर सकते हैं, उच्चाटन कर सकते हैं और दुश्मन को एक कुत्ते की मौत के जैसे तिल तिल मरने के लिए छोड़ सकते हैं। ऐसी खतरनाक विद्या जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, ये विद्या दोस्तों भगवान नरसिंह भगवान की विद्या है। जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप राक्षस का भगवान ने वध किया था अपने नाखून से, उसी प्रकार से शेर के दो नाखून और इंद्र अगर आपके पास में है तो उन नाखून से आप एक शत्रु का ऊपर शमन क्रिया, उसका दमन, उसका शमन, उसका नाश, उसका सर्वनाश किस प्रकार से कर पाएंगे, इसी का नाम है शत्रु मारण क्रिया जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही प्रचंड है, इसको विधि विधान से आप सोच समझ कर करें। इस विद्या को करने के लिए भगवान नरसिंह भगवान, दक्षिण भारत में भगवान नरसिंह के बहुत से मंदिर मिल जाएंगे और वहीं से ये विद्या मैंने सीखी है हैदराबाद से कि इस विद्या को आप किस प्रकार से करेंगे शत्रु का सर्वनाश। और इस विद्या के अंदर माता जगदम्बे, क्योंकि माता जगदम्बा का जो वाहन है वो भी शेर है, तो इसमें भगवान नरसिंह भगवान और माता जगदम्बा दोनों की उपासना और साधना से, विद्या से और ओरिजिनल दो नाखून शेर के, इस विद्या से आप और कौन सा वो अचूक नरसिंह भगवान का जो मंत्र है जिसको आपको सिद्ध करना है इस विद्या में काम में लेने के लिए, वो आपको मैं पूरी विधि विधान मैं हर प्रोग्राम को आपको टैली करके दिखाता हूँ। पहले मैं उस प्रयोग को आजमाता हूँ, वो प्रयोग अगर सिद्ध होता है शत्रुओं के ऊपर, जैसे साइंस की लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी प्रकार मेरी तंत्र शाला में पहले मैं शत्रु के ऊपर प्रयोग करके देखता हूँ और वो अगर प्रयोग सफल और सिद्ध होता है तो ही मैं आपको लाइव दिखाता हूँ और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ज्यादातर लोग आराम से सोफे के ऊपर कुछ बात चीज समझ में नहीं आती है, आराम से बैठ के आपको ये कर दो वो कर दो, मैं जो करता हूँ वो विद्या वो लाइव प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको पूरी विधि से आपको समझ में आ सके। पूरा डेमो करके दिखाता हूँ ताकि आप हर प्रयोग को अच्छे से सोच समझ के पूर्ण विधि विधान से आप कर सके, ताकि आपका पैसा और समय बच सके, आप फिजूल खर्ची से बच सके और आप अपने कार्य को खुद कर सके। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को अच्छा लग रहा है और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाला जो भी प्रोग्राम हो वो सबसे पहले आपका उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप एक शत्रु का दो नाखून से शत्रु का आप मारण कर पाएंगे, शत्रु का उच्चाटन कर पाएंगे, शत्रु का सर्वनाश कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ तो दोस्तों, इस शत्रु नाश खतरनाक साधना को करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी भैरव माला की या रुद्राक्ष की माला और दो शेर के नाखून एकदम ओरिजिनल। ये देखिए, ये दो शेर के एकदम ओरिजिनल नाखून है और एक नींबू जिसके ऊपर शत्रु और उसके पिता का नाम लिखा हुआ, लाल कलर के पाटे के एक पाटे के ऊपर लाल कलर का वस्त्र बिछा दीजिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। और दोस्तों, यह साधना किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन, क्योंकि भगवान नरसिंह का जो अवतार है वो भगवान विष्णु का अवतार है, इसलिए भगवान विष्णु का जो दिन है वो है गुरुवार, तो गुरुवार को ये साधना करनी है। एक तांबे का कलश चाहिएगा आपको, एक मुट्ठी भर के पीली सरसों चाहिएगी,
और एक एक मुट्ठी उड़द चाहिए आपको। तो इस साधना को करने के लिए कौन सा मंत्र आप काम में लेंगे? ये दोस्तों साधना कोई भी शुक्ल पक्ष के किसी भी महीने के गुरुवार से प्रारंभ करनी है और अगले गुरुवार तक आपको 7 दिन की ये साधना है। ये 7 दिन कंटिन्यूस ये साधना करनी है। रोज 108 माला मंत्र करने से पहले आपको विधि ये विधि अच्छे से पूरी तरह से देख लीजिए। अच्छा सा धूप आप जला लीजिए, एक दीपक भगवान नरसिंह भगवान के लिए और एक दीपक आप माता रानी माँ अम्बे जगदम्बा चामुंडा जो भी आपके आराध्य देव है उसके लिए 2 चाहिए इसमें दीपक। एक मिट्टी का दीपक माता रानी के लिए, एक तांबे का या ब्रास का दीपक जलाना है और फिर दोस्तों एक अच्छा सा धूप जलाना है भगवान नरसिंह भगवान का ध्यान करके। मैं अमुक शत्रु का जो भी मैं नाश मारण क्रिया शत्रु नाश क्रिया या उच्चाटन करने जा रहा हूँ वो शत्रु का सर्वनाश हो जाए ऐसी मन में कामना करके आपको अच्छा सा एक धूप जला लेना है। और फिर दोस्तों शेर के दोनों नाखून नींबू के दोनों तरफ इस प्रकार से आप डाल देंगे, दोनों तरफ इस प्रकार से डालेंगे। डालने के बाद में इस प्रकार से आप रख लीजिए और फिर आपको गुरुवार को शाम को 7:30 से 9 बजे ये साधना रात्रि को आप करनी है। कोई भी रुद्राक्ष की माला या भैरव माला ले लीजिए और मंत्र आपका इस प्रकार से रहेगा। वो मंत्र को मैं आपको अच्छे से स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा, उस मंत्र को आप अच्छे से सिद्ध कर लीजिए। ये मंत्र इस प्रकार से रहेगा, देख लीजिए, आपको अच्छे से बता रहा हूँ। ये मंत्र आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये हमारे गुरुजी ने हैदराबाद में यादगिरी गुट्टा में स्वयं मुझे सिद्ध करके दिया है। भगवान नरसिंह का मंदिर है, भगवान नरसिंह भगवान का मंदिर है हैदराबाद में यादगिरी गुट्टा में, तो वहाँ के जो गुरु हैं उन्होंने मुझे ये साधना सिखाई है। आज मैं आपको ये साधना बताने जा रहा हूँ। इस साधना को अच्छे से करने से 7 दिन के अंदर शत्रु का पूर्ण मारण हो सकता है, उच्चाटन हो सकता है या फिर शत्रु का सर्वनाश, शारीरिक आर्थिक या मानसिक रूप से उसका विध्वेषण सब प्रकार से शत्रु का सर्वनाश शुरू हो जाता है। तो ये साधना करने के लिए आपको मन को एकाग्र करके दक्षिणाभिमुख दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। समय मैंने बता दिया है आपको और इस साधना को इस प्रकार से करेंगे। पहले नींबू के अंदर नींबू के ऊपर शत्रु का नाम और उसके पिता का नाम लिख के दोनों नाखून उसके अंदर डाल देंगे और फिर मंत्र इस प्रकार से बोलेंगे। ओम उग्र वीर महाविष्णु ज्वलत सर्वतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र अमुक शत्रु जिसका भी आप नाश करना चाहते हैं मृत्यु मृत्यु नमाम्य हम। अच्छे से देख लीजिए, रोज एक माला करनी है 108 की, या तो भैरव माला से या रुद्राक्ष की माला से, 2 ही माला इसमें काम में लेनी है। तो इस प्रकार से आप रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और मंत्र वापस एक बार देख लीजिए। ओम उग्र वीर महाविष्णु ज्वलत सर्वतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र अमुक शत्रु जिसका भी आप नाम नाश करना चाहते हैं मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम। इस मंत्र का 108 मंत्र बोलेंगे। रोज ये साधना आप प्रतिदिन करेंगे 7 दिन तक, गुरुवार से शुरू करेंगे। फिर दोस्तों इसको नींबू को और दोनों शेर के नाखून, फिर आप एक मुट्ठी, ये साधना जब पूरी हो जाएगी आपके 7 दिन की, फिर एक मुट्ठी पीली सरसों कलश में डाल दीजिए। एक मुट्ठी आपको उड़द की डालनी है। प्रतिदिन 108 माला करने के बाद में एक ही बार डालेंगे और फिर रोज एक माला करेंगे। नींबू डाल दिया और पीली सरसों डाल दी, उसके बाद में दोस्तों रोज एक माला होने के बाद में जैसे ही आपका 2-3 दिन निकलेगा, 2-3 दिन माला करेंगे और शत्रु का सर्वनाश होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप शत्रु का मारण करना चाहते हैं तो कामना में शत्रु का अमुक शत्रु का मैं मारण करने जा रहा हूँ, भगवान का नाम लिखे
अमुक शत्रु का आप उच्चाटन करने जा रहे हैं तो उच्चाटन कर लीजिए कि मैं उच्चाटन करने जा रहा हूँ, अमुक शत्रु का मैं आज सर्वनाश करने जा रहा हूँ तो सर्वनाश बोलेंगे तो उसका सर्वनाश होगा। जो भी आप मन में कामना करेंगे वो कामना सफल होगी। फिर काले कलर का वस्त्र आपको उसके ऊपर लगा देना है कलश के ऊपर, और आपको काले कलर के धागे से इसको विधि बांध कर अच्छे से, कच्चा घड़ा भी हो सकता है, तांबे का कलश भी हो सकता है, और इसको अच्छे से बांध देंगे और 7 दिन की साधना पूरी होने के बाद में आपको इसको किसी भी सुनसान जगह पे निर्जन स्थान में इसको डाल देना है। और डालने के बाद में शत्रु का सर्वनाश होने के बाद में 1-2 महीना जब भी आपको संतुष्ट मिल जाए कि शत्रु का पूर्ण तरह से नाश हो गया है, आपकी मनोकामना इच्छा पूर्ण हो गई है, मेरी साधना सफल हो गई है, फिर उसके बाद में आपको वापस जाकर अपने नाखून वापस लेके आ जाना है और वापस इसको खोल के तांबे के कलश को पानी के अंदर बहते पानी में विसर्जन कर देना है, और वो दोनों नाखून जो शेर के दोनों नाखून हैं उसको चांदी में या सोने में आपको इस प्रकार से जैसे मैं बताता हूँ उस प्रकार से आपको दोनों को इस प्रकार से चांदी या सोने में आपको मंडवा देने हैं ताकि आपके भविष्य में और भी कोई शत्रु हो, इस प्रकार से आपको मंडवा कर आपको गले में धारण करना है। अगर आप गले में धारण करना नहीं चाहते हैं तो उस नाखून को वापस आप निकाल कर आपके घर पे लेके आ जाइए और इसको अपने स्थान पे कहीं भी आप अच्छे से काले कपड़े में या लाल कपड़े में बांध कर घर में रखने से भी शत्रु पर हमेशा विजय बनी रहेगी, आपको शत्रु का भय नहीं रहेगा और दोस्तों आपकी साधना सफल और सिद्ध होगी। ये प्रयोग मेरा आजमाया हुआ है, सफल है, सिद्ध है। यदि दोस्तों यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और कोई भी आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए इस विधि विधान में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।